वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटली बांग्लादेश में जो कंडीशन चल रहा है इसके वजह से क्या हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको कुछ प्रॉफिट मिले या ना मिले। बहुत सारा क्वेश्चन है इस रिलेटेड, जैसे कि अगर ये सिचुएशन आगे कैरी ऑन होता है या फिर जो इंटरिम गवर्नमेंट आता है उसके बाद बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो कैसे ग्रो करेगा, या फिर अगर हम लोग देखें कि जो बांग्लादेश में इन फ्यूचर जाके इलेक्शन होगा उसके बाद जो पीएम होंगे वो लोग क्या चाहते हैं कि ये जो ट्रेड है या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इन लोगों का ग्रोथ को लेकर लोग क्या करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश का जो बायर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ये हम लोग को सबको पता है, और यही बायर लोग क्या ऑब्वियसली अभी जैसे फेस्टिवल सीजन आने वाला है वो लोग का जो डिमांड है वो लोग बहुत बढ़ जाएगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो ऑर्डर्स बांग्लादेश के पास ऑलरेडी है क्या बांग्लादेश वो ऑर्डर टाइम में सप्लाई कर पाएगा, क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है उसमें सप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल ही दिख रहा है। तो ये सारा क्वेश्चंस का जो आंसर है आपको इसी वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ ये भी बोलूंगा कि इससे इंडिया का जाके आगे प्रॉफिट है या फिर लॉस है, अगर होता है कौन सा कंट्री का प्रॉफिट या कौन सा कंट्री का लॉस है कितना है वो भी हम लोग प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। हम लोगों को पता है दुनिया में जितना भी कंट्रीज है उनमें बहुत सारा कंट्रीज का कोई एक स्पेशलिटी होता है। जैसे कि हम लोग अगर इसराइल को देखें तो इसराइल का जो मोसाद है ये दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है। इस हिसाब से अगर देखा जाए पाकिस्तान भी अपना जो टेररिज्म है इसको लेकर दुनिया में फेमस है, वैसे ही बांग्लादेश को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश अपने तरफ से हमेशा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको लेके दुनिया में फेमस है। मतलब दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं बांग्लादेश के बाहर में वो लोग बांग्लादेश को जानता है, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो दुनिया भर में अपना ये टेक्सटाइल जो गुड्स है ये सप्लाई करता है। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश में जो कंडीशन चल रहा है हो सकता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये आगे जैसा परफॉर्म ना करे। अगर हम लोग पास्ट में देखें 2023 में बांग्लादेश राउंड अबाउट 47 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, और उन लोगों का प्रेडिक्शन था कि इस साल वो कम से कम वो 50 बिलियन डॉलर के ऊपर जाएगा, मगर ये जो एक्सपोर्ट है ये बीच में ही एक इंटरप्शन आ गया जिसके वजह से जो एक्सपोर्ट होने वाला था वो एक्सपोर्ट उस लेवल पर नहीं हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें बांग्लादेश का इकोनॉमी को जो सबसे अच्छा सपोर्ट मिलता है वो है इस तरह का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका एक्सपोर्ट से, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मगर प्रेजेंट जो कंडीशन है हो सकता है कि आगे जाके ये जो एक्सपोर्ट जिस तरह से बांग्लादेश पहले कर रहा था उस तरह से बांग्लादेश ना कर पाए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, एक एक करके मैं बताता हूँ। प्रेजेंटली जो बांग्लादेश का कंडीशन है इसमें बांग्लादेश में सबसे जो मेजर इशू है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी मतलब गिर गया है, और दूसरा जो गवर्नमेंट है वो अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी अभी ले रहा है जिसके आगे जाके वो एक्टिव होगा, मगर ये जो गवर्नमेंट है ये इंटरिम गवर्नमेंट है, और प्रेजेंटली जो मिलिट्री है वो लोग बांग्लादेश का जो मतलब प्रशासन है वो कम्प्लीटली वो लोग हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी एक्टिव नहीं हुआ, अभी सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा है। आगे जाके ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये कितना दिन तक चलेगा इसका कोई एग्जैक्ट ड्यूरेशन प्रोवाइड नहीं किया गया। हो सकता है कि बांग्लादेश में बहुत ही जल्दी इलेक्शन हो और जिसमें जो खालिदा ज़िया है उनका जो पार्टी है बीएनपी उनका जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये भी हो सकता है कि आगे जाके ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये बहुत दिन तक रूल करे, या फिर शेख हसीना का जो टाइम पीरियड था मतलब जो 5 साल उनको चलना था वो पूरा जो टाइम पीरियड है वो ये इंटरिम गवर्नमेंट आके हैंडल करे, फिर जाके जब इलेक्शन होगा उसके बाद जाके कोई दूसरा पार्टी जो इलेक्टेड होगा वो आए। तो ये सारा जो पॉसिबिलिटीज है ये रह गया है, जिसके वजह से जो भी कोई बायर्स है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, मतलब जो अगर आप लोग बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश मोस्ट ऑफ द जो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट होता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उनमें सबसे बड़ा जो बायर था आपका यूरोप देखिए, या फिर आप यूके में भी देख लीजिए, या फिर यूएस में भी देख लीजिए। तो ये सारा जो बायर से इन लोगों को चाहिए एक स्टेबिलिटी, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम में अगर उन लोगों को एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट ऑर्डर है वो अगर सप्लाई नहीं मिलेगा तो आगे जाके वो लोग इफेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोगों को पता है कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है, जैसे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल है, आगे जाके अगर आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ भी देखें तो वहाँ भी क्रिसमस है और डिफरेंट जो रिलीजन है उन लोगों का अलग अलग जो फेस्टिवल है वो शुरू होने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब पूरा साल भर कुछ भी पहने मगर फेस्टिवल में एटलीस्ट नया कपड़ा जो है वो हम लोग खरीदते हैं, जिसके वजह से ये जो ट्रेंड है ये दुनिया भर में ही देखा गया कि फेस्टिवल में हर कोई अपने लिए नया कपड़ा जो है वो खरीदते हैं, अपने जो फैमिली के जो मेम्बर्स हैं उन लोगों को गिफ्ट करते हैं या फिर अपने जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को नया कपड़ा गिफ्ट करते हैं। तो ये जो कपड़ों का डिमांड है ये काफ़ी हाई है, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है। ऑन द अदर साइड आप बोलेंगे फेस्टिवल सीजन में तो भाई इंडिया में ही अगर देखें तो हम लोग को तो बहुत दूर है, तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि जो बायर्स है वो लोग पहले से ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी टाइम लगता है, साथ ही साथ जब शिप किया जाता है तो वो प्रोडक्ट अल्टीमेट रिटेलर तक पहुँचने में टाइम लगता है, इसीलिए ये टाइम अभी बचा नहीं है।
जिसके वजह से अगर हम लोग इंडिया के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ओनर है उन लोगों के साथ अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता चलता है कि उन लोग का जो मतलब ये फेस्टिवल सीजन का ऑर्डर है ये बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया है और बहुत कुछ ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है। हो सकता है कि बांग्लादेश ये सारा इंसिडेंट होने से पहले भी बांग्लादेश अपना जो ऑर्डर से वो शिफ्ट करना स्टार्ट किया था, मगर प्रेजेंटली जो है ये अभी हो नहीं सकेगा या फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आगे जाके ये जो बायर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से बांग्लादेश का, ये बायर्स ऑब्वियसली चाहेगा कि हम लोग एक ऐसा कंट्री से सामान खरीदे जहाँ स्टेबिलिटी हो, एटलीस्ट एक गवर्नमेंट हो जो कि लॉन्ग टर्म में चले। ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट जो अपने तरफ से डिसीजन ले रहा है वो कंट्री में सबको ये फॉलो करे। ऑन द अदर साइड कंट्री में टर्मोइल ना हो, मतलब कभी भी कुछ ना हो जिसके वजह से गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाए। तो ये जो सोच है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उन लोगों में बहुत ज़्यादा है और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि अपना जो पैसा या फिर अपना जो ऑर्डर है उसको सिक्योर करना, क्योंकि सबका ही बिजनेस है, सबको मैटर करता है। अगर यही सोच लेके वो लोग आगे दूसरा ऑप्शंस ढूंढते तो उन लोगों को सबसे पहले जो कंट्री मिलेगा वो होगा इंडिया। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें बांग्लादेश जो है ये इंसिडेंट होने से पहले इंडिया से लगभग डबल एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल गुड्स। बांग्लादेश का ये इंसिडेंट होने से पहले बांग्लादेश पर मंथ 3.5 से 3.8 बिलियन डॉलर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट कर रहा था, जबकि इंडिया को अगर देखा जाए सिर्फ 1.5 से 1.8 बिलियन डॉलर का इंडिया पर मंथ एक्सपोर्ट कर रहा था टेक्सटाइल गुड्स। तो इस हिसाब से देखा जाए बांग्लादेश के पास दुनिया भर में ज़्यादातर कस्टमर्स हैं, उन लोग का जो क्लाइंट बेस है वो बहुत बड़ा है और ज़्यादा क्लाइंट बेस मतलब ज़्यादा डिमांड ऑब्वियसली क्रिएट होगा। अगर टाइम में सप्लाई नहीं दे पाएगा बांग्लादेश रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ इशू, आगे जाके ये जो है ये पूरा बांग्लादेश का जो मतलब एक तो है वहाँ का जो बिजनेसमैन है उन लोगों को इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ ये जाके इकोनॉमी को भी हिट करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर हम लोग एनुअल देखें तब। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो बायर्स है ऑल ओवर वर्ल्ड से ये लोग हो सकता है कि इंडिया में स्विच हो जाए। इंडिया में स्विच होने के पीछे एक और रीज़न काम करता है, आज के डेट में अगर हम लोग बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ओनर देखें उनमें से राउंड अबाउट 20% जो ओनर है वो इंडियन है। वो लोग बांग्लादेश में जाके आगे बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में जो मैन पावर का कॉस्टिंग है वो कम हो जाता है, बांग्लादेश में बहुत कुछ सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। जब वो लोग को बांग्लादेश में इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा आगे जाके वो लोग अपना जो बिजनेस है वो कम्प्लीटली सेटअप करेगा इंडिया में फिर से, साथ ही साथ उन लोगों का जो क्लाइंट है वो लोग अपना जो बिजनेस यहाँ सेटअप करेगा ऑब्वियसली वो लोग क्लाइंट को भी इंडिया से सप्लाई देगा, जिससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ेगा। स्पेशलिस्ट का माने जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो वो लोग का कहना है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके वजह से इंडिया का राउंड अबाउट 10 से 20% तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, अगर बांग्लादेश ठीक से सप्लाई ना दे पाए तभी। अगर हम लोग एनुअली देखें तो एक्सपर्ट का कहना है 2 से 3 बिलियन डॉलर का ज़्यादा बिजनेस करेगा इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो भी एक्सपोर्ट में। तो हो सकता है कि फर्स्ट ईयर 2 से 3 बिलियन डॉलर का बिजनेस करे, मगर नेक्स्ट जो है वो आगे अपने जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली देखेगा, साथ ही साथ ये जो अमाउंट है ये बढ़ सकता है आगे जाके। ये टोटल सिनारियो में एक और फैक्टर मैटर करता है जो कि है मैन पावर, साथ ही साथ प्रोडक्शन करने का जो पावर है वो। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट आज के डेट में इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के ओनर है उन लोगों का जो सेटअप है उनमें अगर 10 से 20% तक इंक्रीज होता है ऑर्डर तो वो लोग ये बहुत ईजिली हैंडल कर पाएगा। एक चीज़ उन लोगों को ज़रूरत है जो मैन पावर, वो मैन पावर ऑलरेडी इंडिया में है, अगर मैन पावर ये इसमें लग जाता है तो इंडिया का एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा रिजॉल्व होगा वो है एम्प्लॉयमेंट का, जिसको लेके बहुत सारा इश्यूज हुआ इस बार बजट में भी। अगर हम लोग इंडिया का बजट जो हुआ तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारा ऑप्शंस ढूंढा गया, अगर ऐसा कुछ होता है कि जो ये ऑर्डर है ये इंक्रीज होने लगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प करेगा आगे जाके। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा जो टेक्सटाइल ओनर्स है बांग्लादेश के वो में से राउंड अबाउट 20% ऑलरेडी इंडियन है, तो हो सकता है कि वो लोग ऑलरेडी प्लान कर लिए हैं आगे जाके वो लोग अपना जो सेटअप है वो इंडिया में करेगा और वो लोग का जो क्लाइंट है वही क्लाइंट बेस वो लोग यूज़ करेंगे सप्लाई देने के लिए, जिससे आगे जाके इंडिया का प्रॉफिट होगा। मगर ये सारा प्रोसेस में एक चीज़ मैटर करता है कि फ्यूचर में बांग्लादेश का जो गवर्नमेंट है वो आगे जाके कैसे परफॉर्म करेगा। हम लोग अगर ये पहले देखे तो उस टाइम में हम लोग देखे थे कि जब भी खालिदा जिया इंडिया आती थी तो मेन जो टॉपिक होता था वो था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जब से शेख हसीना बांग्लादेश के पीएम बनी उसके बाद ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। जब भी वो आती है तो हम लोग के बीच में जो बात होता है वो ट्रेड को लेके होता है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके होता है, तो ये एक मेजर चीज़ है जो कि ट्रेड में मैटर करता है। आगे जाके कंट्री का गवर्नमेंट अगर अच्छा रहे, वो अगर टेररिज्म को कम्प्लीटली अपने तरफ से कंट्रोल में रखे और दूसरे कंट्री को परेशान ना करे, ऑन द अदर साइड दूसरे कंट्री का हेल्प भी उससे मिलेगा और वो भी दूसरा कंट्री को हेल्प करेगा।
जैसे कि बांग्लादेश के साथ हम लोग का जो रिलेशन इतना दिन तक हम लोग देखे वैसे ही था। प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट आने वाला है या फ्यूचर में जो गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आएगा, इन दोनों का कम्प्लीटली वर्किंग स्टाइल या फिर उन लोगों का जो सोच है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बांग्लादेश का एक्सपोर्ट आगे जाके ग्रो करेगा या फिर फॉल करेगा, और इससे इंडिया का प्रॉफिट होगा या फिर इंडिया का जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ। आप अगर चाहे तो मेरा चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जाके यूट्यूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप जो वीडियो देख रहे हो आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी जो है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।